So let's summarize this interesting novel, Kim by Rudyard Kipling. Kim Rall O'Hara, an Irish boy. यानी एक आयरिश फैमिली का लड़का जो अपने पेरेंट्स की मौत के बाद इंडिया में एक यतीम लड़के के तौर पर जिंदगी गुजार रहा है अब हकीकत में तो वो एक ब्रिटिश है मगर उसने इंडिया में बचपन गुजार कर सारा कल्चर यहां का अपना लिया है टैशू लामा चीन के शहर तिब्बत से ताल्लुक रखने वाला एक राहिब एक मोंक है ये हमालिया में राहिबों की एक बड़ी जमात के सरबराह के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे चुका है मगर अब अपने इल्म की तकमील के लिए मैदानी इलाकों में एक मुकदस दरिया रिवर ऑफ तलाश में निकला है महबूब अली इज अ फेमस मर्चेंट इन इंडिया घोड़ों का बहुत मशहूर ताजिर है और ये इंडिया में मौजूद ब्रिटिश के लिए जासूसी का काम करता है हरी मुखर्जी जिसे बाबू के नाम से भी जाना जाता है ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर है जो ब्रिटिश के लिए काम करता है जब किम भी ब्रिटिश के लिए काम करने लगता है तो सारी इंफॉर्मेशन लाकर जासूसी के बाद इसको दिया करता है हरिचंद्र को द नावल इज सेट आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड अफगान वार इन 1881 बट बिफोर स्टार्ट ऑफ थर्ड अफगान वार इन 1919 इसका मतलब यह नॉवल ऑलमोस्ट 1893 से 1898 के दरमियान ब्रिटिश इंडिया की बात करता है ये उन दिनों की बात है जब रशिया और ब्रिटेन के दरमियान काफी कंफ्लिक चल रहे थे सेंट्रल एशिया में इनके दरमियान काफी मसाइल और झगड़े थे जिन्हें ग्रेट गेम भी कहा जाता है किम यानी किमरॉल ओहेरा एक तेरह साल बच्चा लाहौर पाकिस्तान में एक यदीम बच्चे की जिंदगी गुजार रहा है इसका बाप जो एक आयरिश सोल्जर था नशे की हालत में मर गया और इसकी माँ बाद में पेश आने वाली मायूस कन गुरबत की वजह से मर गई इस सब के बाद किम लाहौर की गलियों में एक बैगर यानी भिकारी की जिंदगी गुजार रहा है वो ओपियम यानी अफ्यूम का नशा करता है अडिक्ट बन चुका है यहाँ इंडिया में पलने बढ़ने की वजह से वो इंडियन कल्चर को पसंद करता है और इन्हीं लोगों में घुल मिलकर रहता है वो महबूब अली नाम के एक जासूस के लिए काम वगैरह भी करता है ताकि कुछ रकम हासिल कर ले एक दिन एक म्यूजियम के बाहर किम की मुलाकात लामा नाम के एक से होती है जो एक मुकदस रिवर की तलाश में है ताकि ढूंढ कर वो अमर हो जाए मतलब उसमें नहाकर अपने तमाम गुना धो सके और बिल्कुल पाक हो जाए किम इस राहिब को लोगों से मांग कर खाने को खाना देता है और इससे दरख्वास्त करता है रिक्वेस्ट करता है कि किम को अपना शागि बना ले और अपने साथ ले चले लामा इस पर रजामंद हो जाता है किम रात ठहरने के लिए लामा को अपने दोस्त महबूब अली के घर पर ले जाता है महबूब अली किम को एक सीक्रेट मैसेज देता है कि रास्ते में ब्रिटिश क्लोनल क्राइटन यानी कर्नल क्राइटन को ये पैगाम दे दे पैगाम ये होता है दैट वार विल अगर इन नॉर्थ जंग नॉर्थ की तरफ होगी जैसा कि हमेशा होता है इस काम के लिए किम को अच्छी रकम भी दी जाती है किम और लामा ट्रेन में अपना सफर शुरू करते हैं ट्रेन में ऑलमोस्ट इंडिया के हर मजहब और कल्चर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ लोग होते हैं इस सफर में किम की लामा से मोहब्बत बढ़ती जाती है ये दोनों साउथ में बनारस की तरफ सफर कर रहे हैं ट्रेन के बाद ये ग्रैंड ट्रंक रोड पर अपना सफर जारी करते हैं जब किम महबूब अली का पैगाम देने जाता है तो वहां किम के फादर का एक फ्रेंड इसके गले में लटका लॉकेट देखता है जिसमें किम के फादर के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये शख्स जो कि किम के फादर का फ्रेंड है ये किम को पहचान जाता है और उसे मौक यानी राहि से अलग कर देता है लामा से किम को लखनऊ के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा देता है ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके वहां जाकर भी किम लामा को नहीं भूलता वो उससे रबते में रहता है लामा अभी तक उस दरिया की तलाश में है दूसरी तरफ महबूब अली और दीगर जासूसों के लिए छोटे मोटे काम भी करता रहता है किम इस दौरान अब किम को जिस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है दरअसल वहां किम की ट्रेनिंग की जा रही है एक जासूस के तौर पर जिसे ब्रिटिश इस्तेमाल करेंगे रशिया के खिलाफ ग्रेट गेम में इस तालीम के बाद अपनी रेगुलर जॉब के स्टार्ट होने से पहले किम कुछ रोज की छुट्टी ले लेता है तीन साल से जायद अरसा गुजर जाने के बाद किम बनारस में लामा से मिलता है जिसे अभी तक रिवर ऑफ एरो नहीं मिला किम उसे अपने साथ लेता है और हिमालय के पहाड़ों की तरफ निकल जाता है जहां किम की ड्यूटी रशियन इंटेलिजेंस की जासूसी करना है किम बहुत महारत से कुछ जरूरी रशियन इंफॉर्मेशन चुरा लेता है और हरी मुखर्जी के हवाले कर देता है जबकि दूसरी तरफ लामा को लगता है कि दरिया की तलाश में उसे मैदानों में होना चाहिए ना कि पहाड़ी इलाकों में और वो हमालिया में क्यों फिर रहा है किम के साथ किम चुराई गई इंफॉर्मेशन ब्रिटिश को दे चुका है और इसके बाद वो लामा के साथ मैदानी इलाकों में आराम करता है बिलाखिर लामा को रिवर ऑफ एरो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी किम ब्रिटिश की जासूसी और किम को तालीम देने की सारी वजह समझ जाता है वो अब एक बच्चा नहीं है वो बालिग लड़का है और जान चुका है कि किस तरह उसे यूज किया जा रहा था अपियरेंस कि कैसे किम बजायर एक इंडियन नजर आता है मगर असल में एक ब्रिटिश है नेवर जज बाय इट्स कवर लॉयल्टी ये नावल बात करता है किम की अपने टीचर और दोस्त लामा के साथ लॉयल्टी की वफादारी की पीस एंड इनलाइटनमेंट अमन और रोशन ख्याली के पूरे नावल में ऑलमोस्ट लामा तलाश में रहा रिवर ऑफ एरो की महज इनलाइटनमेंट को पाने के लिए और किम उसकी मदद करता रहा और बिलाखिर नावल के एंड में लामा के साथ साथ किम को भी ये इनलाइटनमेंट ये रोशन ख्याली मिल गई और सब चीजों को अच्छे से समझ गया रेसिज्म इज आल्सो अ थीम डिस्कस्ड इन द नॉवल आइडेंटिटी क्राइसिस इज वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ द नॉवल कि किम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है वो नहीं जानता कि हकीकत में वो कौन है वो ब्रिटिश है मगर इंग्लिश से ज्यादा अच्छी उर्दू बोल लेता है इसी क्राइसिस से रिलेटेड म की एक कोट मैं वीडियो के एंड पर मेंशन करूंगा ऑर्फनहुड यतीमी एक सिंबल है जो जाहिर करता है किम के आइडेंटिटी क्राइसिस को रिवर ऑफ एरो एक मुकद्दस दरिया सिंबल है पीस और इनलाइटनमेंट की अमन और रोशन ख्याली की एट द एंड किम हु इज किम बुद्धिस्ट कैथोलिक प्रोटेस्टेंट सिख मुस्लिम हिंदू ब्रिटिश और इंडियन और जवाब बहुत आसान है किम इज नाउ अ मैन हु लव्स इंडिया सो गाइस टेक केयर गुड बाय टाटा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज